इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमा के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीम श्रीम क्लीम हम अहम बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम दम दम धीम धीम दव दव नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम कुम मुम पपम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अलहन झम झीम छीम हम सम झम बम हयासा छाम छीम छुम छेम छेम छुम छा छ्रीम राम ह्रीम ह्रीम ह्रम 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 रा राम दीम दीम दव दव नमस्ते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वेशम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मंदाय आरोगाथम निरापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर आरोगाथम समस्तादि संगानाम आरोगाथम श्रीरस्ति वैद्यरस्ति तुष्टिरस्ति पुष्टिरस्ति शांतिरस्ति कांतिरस्ति कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थ सर्वज्ञ निर्वाणा श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम प्रवृत्ताय नमो नमः श्री शांति भट्टा पात पद प्रसा सदा में शिवलाय आरोग्य अभिवृद्धिस्तु सदा में सौशस्य परशस्य वर्गापि सीदन्तु न ओम विश्वादा श्रीवर्धमान पदंतु चतुर्वंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलाधेव यह मत चा सिद्धिम तन्वंतु सदा कार्यसु यह मत चा सिद्धिम पेक्षंतु न ओम नमो नते भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथ कुंतनाथ न तीर्थंकराय श्रीमदत्ता रूपा दिव्य तेजमूर्ति प्रभामंडल मंडिता द्वादश गण सहिता नंद चतुष्टय सहिता समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोष सहिता षटचतरण संयुक्ता परमेष्टि प्रवृत्ताय सम्यक ज्ञानाय सोम भवे सिद्धाय बुद्धाय परात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयिताय नंद संसार चक्र प्रमादनाय नंद ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वत्स शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे वेस्कर मंडिताय ऋषि आदिका सावका प्रमुख चतुर संगुप्ताय गुणनाथनाय घाती कयम शंकराय अजराय अव्वाय शांति धारा कर्ता परिवार से राकेश जी वैभव जी मेहुल जी जबलपुर वाला परिवार सापरिवार से भागचंद जी विवेक जी मिथिलेश जी स्वीटी जी छतुरपुर बाला परिवार सापरिवारस आजाद जी धनोरा बाला परिवार खुरई सापरिवारस आरव जी सागर सापरिवारस निर्मल जी चौधरी बांद्री स्वास्थावर्तम विपिन जी जैन किशनपुरा जन्म दिवस सु अवसरी अपी सापरिवारस प्रमेड जी प्रियंका जी कीर्ति जी काव्य जी हरिनगर दिल्ली बाला परिवार सापरिवारस नमन जी ललितपुर वाला परिवार सापरिवारस राकेश जी भोपाल सापरिवारस सुनील जी परसा जी इंदौर वाला परिवार सापरिवारस समस्त भवजीवानाम व्याधिम घरेन्थो व्याधिम घरेन्थो व्याधिम घरेन्थो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा वनस्तम भवतु ओम नवरति भगवती विष्णुस्य दोष कलम सही दिव्य तेजो मोदे नमः श्री शांतिनाथ शांति कराई सर्विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्विष्ट शांति कराई ओम भ्राम भीम रुभ्रा श्रिय नम मम सर्विद शांति गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा मम गमुम छिछिदे बिर्मदे रतिगम छिछिदे बिर्मदे बलिगम छिछिदे बिर्मदे क्रोधम पापम बैरम जय छिछिदे बिर्मदे अग्निवाय भयम छिछिदे बिर्मदे सर्वशत्रु विघ्नम छिछिदे बिर्मदे सर्वोत्सर्गम छिछिदे बिर्मदे सर्वविघ्नम छिछिदे बिर्मदे सर्वराजभयम छिछिदे बिर्मदे सर्वचोर दुष्टभयम छिछिदे बिर्मदे सर्वसप्यक्षसेयाधिभिदम छिछिदे बिर्मदे सर्वग्रहभयम छिछिदे बिर्मदे सर्वदोषम व्याधिम डामरम च छिछिदे बिर्मदे सर्वपरमन्त्रम छिछिदे बिर्मदे सर्वाद्घातम परघातम च छिछिदे बिर्मदे सत्सोलोगम कुक्षिरोगम मक्षिरोगम सुरोगम जुरोगम छिछिदे बिर्मदे सन्नर्मारिम छिछिदे बिर्मदे सर्गजस गुह सजमारिम छिछिदे बिर्मदे सर्वसस्धान वरचलता गुल्मपत पुष्पनमरिम छिछिदे बिर्मदे सर्वराष्ट्रमरिम छिछिदे बिर्मदे सर्गोलबेता साग्नी डाग्नी व्यानी छिछिदे बिर्मदे सर्ववेदनीयम छिछिदे बिर्मदे सर्वमोहिनीयम छिछिदे बिर्मदे सर्वास्मारिम छिछिदे बिर्मदे अस्माकं समस्त भवजीवानां अशुभ कनिजन दुखानी छिछिदे बिर्मदे दोषिजन कथान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छिछिद्र दोषान छिछिदे बिर्मदे सर्वदुष्ट देव दानवी नाथ सेवनी के दोषान छिछिदे बिर्मदे
सस्य हष्टपदादि के दो सान छिछ देवर विदे पर सत्तु के माडू चैटन विदे सन मोहन बसी गणादि दो सान छिछ देवर विदे ओम रीम समभ्यम जग विक्रम सत्य तेजवल सौरभ शांति पूरे पूरे सर्व जीवनंदम कुरु कुरु जनंदम कुरु कुरु भव्यंदम कुरु कुरु गोकुलंदम कुरु कुरु सर्वराजनंदम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर के अस्माकं भगवन संसार में सभी जीव सुखी हों, सभी जीव निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, यही हमारी भावना है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंदराय, निर्यापक समणमनी श्री सुदासागर जी महामंदराय, समस्त चतुर्विध संघ हमेशा दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारी भावना है। समस्त जीवानां तुष्टिरस्तु तथास्तु, पुष्टिरस्तु तथास्तु, समृद्धिरस्तु तथास्तु, कल्याणमस्तु तथास्तु, सुखमस्तु तथास्तु, अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु, दीर्घायुरस्तु तथास्तु, कुलगोधनानि सदा संतो तथास्तु, सदरम श्री विलायरभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमसि औषा अनहद विद्यै नमो अरिहंताडं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखनेतमा सुनोपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम प्रणीतवा तनुष्कीर्तिम श्रद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पेदितु तनिस्पतितु चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगत्वा मुक्त्वा शांतिधारा। भुजिघानम प्रतिपालिघानम यतीन्द्रे सामनित बोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा कैरोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्रः। पूज्य गुरुदेव सुदासागर महाराज जी का इस क्षेत्र पर जन्म हुआ और इस क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के परिवार वाले रहने के लिए आए, क्योंकि इस क्षेत्र का भला होना था। इस क्षेत्र 900 वर्ष प्राचीन धरोहर है, पाणासाई जी की धरोहर। मित्रों, धन्य पाणासाई जी ने जिन भावों से इस मंदिर को बनाया होगा, उस मंदिर को हम सभी लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने जीर्ण शीर्ण मंदिर भी देखा है। दीवारें यहाँ की गिर चुकी थी, मंदिर चूता था, दीवारें क्रैक्स आ गई थी। तो हम लोग आचार्य भगवान के पास पहुँचते हैं। आचार्य भगवान ने कहा इसमें पुनः मंदिर नया बनना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर गिरने वाला है। हम लोगों ने काम लगा दिया, मंदिर को हम लोग बनाने लगे। 20-20 फीट की हम लोगों ने आरसीसी की दीवारें खड़ी भी कर दी और बहुत अच्छा मंदिर हम लोग बना रहे थे। आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री को फोटो दिखाई। आचार्य श्री, ये मंदिर हम लोगों ने बनाया है। आचार्य श्री ने देखा, एक तुम लोगों ने क्या किया, ये तो आरसीसी है, ईंट का काम है। हम लोगों ने कहा आचार्य श्री, 20-20 फीट दीवारें हम लोगों की बन चुकी हैं, अब हम लोग क्या करें। तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, देखो सुदासागर जी जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, पाषाण के मंदिर कितने अच्छे मंदिर बनाते हैं, और ये तो प्राचीन क्षेत्र है, इस प्राचीन क्षेत्र पर हमारी भावना है। आचार्य श्री ने कहा पत्थर का अगर मंदिर बनता है तो हमारा आशीर्वाद है, आरसीसी के मंदिर के लिए हमारा कोई आशीर्वाद नहीं है। तो हम लोगों ने 20 फीट की दीवारें जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी जिसमें लोहे की राडें डाली गई, उस मंदिर को हम लोगों ने बहुत संघर्ष के साथ, बहुत कड़ी मेहनत के साथ कमेटी ने मिटाया। उसको मिटाने के बाद फिर आचार्य श्री के पास गए, फिर आचार्य श्री ने पाषाण के मंदिर का आशीर्वाद दिया। तब कहीं जाकर भव्य पाषाण का एक मंदिर हम लोगों ने बनाकर तैयार किया, हमारी कमेटी ने बनाकर तैयार किया। धन्य जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अनेकों योजनाएँ अब नई बन गई हैं, क्योंकि ये प्राचीन क्षेत्र को हम लोगों को जीवित करना था। तो यहाँ पर 24 के 24 जनालय निर्मित हो रहे हैं। पासनाथ भगवान का एक बड़ा मंदिर, एक मुनिसोपनाथ भगवान का बड़ा मंदिर, एक समोषण मंदिर और एक नंदीश्वर मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है। एक गगन बिहारी भगवान भी यहाँ पर विराजमान होंगे। यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ पर 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार धर्मशालाएं भी बनना है, स्कूल कॉलेज गौशाला, अनेकों योजनाएं इस क्षेत्र पर है। मित्रों, जो भी जनवाणी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ये प्राचीन धरोहर हम सभी को सुरक्षित करना है, हमारी तो भावना है। जहाँ जहाँ भी प्राचीन हमारी धरोहर हैं, इसी क्षेत्र को नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारी प्राचीन धरोहर हैं, उसको जो संरक्षित कर सकते हैं वह संरक्षक करें, क्योंकि ये हमारी पूर्वज जिन भावनाओं से बना के गए थे, आज हमें उन सबकी को जीवंत करना है। हमें भी, हम सबको जो आज हम बनाकर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उसका दर्शन करेंगी, उनका लाभ लेंगी। हम जो आज कर जाएंगे, जो हमारे पूर्वज पहले करके गए, आज हमें जो मिल रहा है, और जो हम आज करके जाएंगे वह हजारों हजारों साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए
जो भी हमारे प्राचीन क्षेत्र हैं, हम सभी मिलकर उनको सुरक्षित करें, यही हमारी भावना है। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।